प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें पीवीसी पाइप चाहिए और ये 90 mm का पीवीसी पाइप है। इसका लंबाई की बात करें तो 3.3 mm। उसके बाद हमें चाहिए 775 डीसी मोटर। उसके बाद हमें एक चाहिए फीमेल कनेक्टर और एक पुश स्विच और पीवीसी सीट टाइप का। मैंने 3 पीस कट किया है लेकिन एक पीस को मैंने छोटा रखा है क्योंकि इसका हमें प्रोपेलर बनाना है। उससे पहले हमें प्रोपेलर बनाना है तो जल्दी से बना लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों ये फ्लावर के टाइप में बन गया है। तो इसके ऊपर हमें पीवीसी शीट का पीस चिपकाना है। सैंड पेपर लेना है हमें और उसके बाद थोड़ा थोड़ा हमें घिस लेना है यहाँ पर। दोस्तों थोड़ा थोड़ा फेविक्विक हमें ऊपर से भी लगा देना है। तो मोटर के शाफ्ट के नीचे जो रिंग बनी है उसके अनुसार यहाँ पर एक रिंग ड्रॉ किया है। इसके ऊपर हमें होल करना है और जो एक रिंग बड़ा सा होल किया है मैंने, ये हमारा एयर लेने के लिए इनपुट के लिए है। तो इस पे भी हमें होल कर देना है। जल्दी से कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इस पीस को हमें ऊपर में चिपका देना है तो जल्दी से चिपका लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें मोटर को लगा लेना है कुछ इस टाइप से और उसके ऊपर हमें फेविक्विक लाल देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये अच्छे तरीके से चिपक गई है। तो उसके बाद दोस्तों हमें एक पीवीसी पाइप चाहिए और उसको कुछ हमें इस टाइप से कट कर लेना है। तो जल्दी से कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस टाइप से कट हो चुका है। तो उसके बाद दोस्तों हमें सैंड पेपर को पाइप के ऊपर रख के कुछ इस टाइप से हमें घिस लेना है। दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों मैंने अच्छे तरीके से घिस लिया है। तो अभी ये बिल्कुल ही फिक्स आ रही है। तो दोस्तों उसके बाद हमें यहाँ पर एक मार्क कर लेना है। दोस्तों मैंने मार्क कर लिया है। तो उसके बाद दोस्तों इससे थोड़ा सा छोटा हमें एक होल कर देना है। तो जल्दी से कर लेते हैं। दोस्तों कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और मैंने सैंड पेपर से अच्छे तरीके से घिस लिया है। तो उसके बाद दोस्तों पाइप को हमें कुछ इस टाइप से चिपका देना है। तो जल्दी से चिपका लेते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रोपेलर को हमें कुछ इस टाइप से चिपका लेना है। देखते हैं दोस्तों प्रोपेलर को मैंने लगा लिया है। तो उसके बाद थोड़ा सा फेविक्विक हमें मोटर के शाफ्ट में डाल देना है और कुछ इस टाइप से पकड़ना है, नहीं तो मोटर के शाफ्ट में चला जाएगा और हमारी मोटर खराब हो जाएगी। देख सकते हैं दोस्तों ये अच्छे तरीके से सूख चुकी है और कुछ इस टाइप से ये रोटेट करेगी। उसके बाद दोस्तों ये वाला एंड कैप को भी हमें कुछ इस टाइप से लगा लेना है। तो जल्दी से लगा लेते हैं। दे
देख सकते हैं दोस्तों अच्छे तरीके से ये सूख चुकी है। तो उसके बाद डब्बा को मैंने आगे से कट कर लिया है। हमें यहाँ पर कुछ इस टाइप से इसे लगाना है। तो मैंने जो वायर लगाया है इसमें मैंने एक डब्बे में एक होल किया है। मैंने इस वायर को हमें होल से निकाल लेना है। तो जल्दी से निकाल लेते हैं। तो कुछ इस टाइप से हमें निकालने के बाद दोस्तों लगा लेना है यहाँ पर अच्छे तरीके से सुपर ग्लू के मदद से चिपका देना है। दोस्तों पाइप को कुछ इस टाइप से मैंने कट कर लिया है। इसको कुछ हमें यहाँ पर इस टाइप से चिपकाना है। और यहाँ पर मैंने एक होल किया है। यहाँ पर हमें पुश स्विच को लगा के कुछ इस टाइप से हमें चिपकाना है। और पीछे में हमें एक फीमेल कनेक्टर को लगा देना है। तो जल्दी से लगा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ से वायर को कट कर लेना है। यहाँ पर हमें स्विच को कनेक्ट कर देना है। तो जल्दी से कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर फेविक्विक की मदद से अच्छे तरीके से चिपका लेना है। उसके बाद दोस्तों इस पाइप के अंदर हमें वायर को डाल के कुछ इस टाइप से चिपका लेना है। तो जल्दी से चिपका लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों ये सूख चुकी है अच्छे तरीके से। और मैंने यहाँ पर फीमेल कनेक्टर को भी कनेक्ट कर दिया है। तो उसके बाद कुछ इस टाइप से हमें यहाँ पर चिपका देना है अच्छे तरीके से। जल्दी से चिपका लेते हैं। फाइनली दोस्तों ये रेडी हो चुकी है। तो उसके बाद हमें इसके ऊपर कलर कर देना है। तो दोस्तों कलर करके मैं इसको दिखाता हूँ आपको। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने जैसे ही ऑन किया किस टाइप से पीवीसी पाइप और कार्डबोर्ड उड़ने लगा है। देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही पावरफुल बन गई है। तो मैंने एक पोलोथीन लिया है। अब इसको फुला के देखते हैं ये फूलती है या फिर नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने जैसे ही स्विच को ऑन किया ये गुब्बारा की तरह फूल गई है। देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं इसे चेक करके दिखा देता हूँ ये कितने वोल्ट पे चल रही थी। दोस्तों मेरे पास कोई भी पावर सप्लाई नहीं है तो इसीलिए मैं इसको बहुत ही ज़्यादा कम पावर से चला रहा था। इसीलिए अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रही थी। तो देख सकते हैं दोस्तों अप्रॉक्स 10 वोल्ट ये दिखा रही है। तो ये 24 वोल्ट की डीसी मोटर है और मैं इसे 10 वोल्ट की पावर सप्लाई से चला रहा था। इसीलिए अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रही है दोस्तों। ऐसे तो वर्क कर रही है, ऐसा नहीं कि वर्क नहीं कर रही है। देख सकते हैं दोस्तों अच्छे तरीके से ये साफ तो कर दे रही है। लेकिन अगर आप इसे 24 वोल्ट दोगे तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। जल्दी ही दोस्तों हमारे पास भी पावर सप्लाई आ जाएगा ट्रांसफार्मर 12012 का। मैंने 3 एम्पियर वाला मंगाया है। जब वो आ जाएगी तो आपको मैं दिखा दूंगा और इसे टेस्ट करके भी दिखा दूंगा कि ये कितना अच्छा वर्क करती है।